साई प्रणाम श्रीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि क्षेत्र में योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री ने प्रमाण पत्र व कृषि यंत्र देकर किया सम्मानित। राजकीय कृषि विद्यालय में मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन में किसानों को किया संबोधित, कहा केंद्र व राज्य सरकार किसानों को बना रही है आत्मनिर्भर व स्वावलंबी। मिशन किसान कल्याण किसान मेला एवं प्रदर्शनी में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री के साथ विभिन्न स्टॉलों का किया अवलोकन। 52 करोड़ की लागत से बने आधुनिक प्रेक्षागृह का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, कहा अब खुले आसमान के नीचे नहीं आधुनिक प्रेक्षागृह में होगा मंचन। गोरखपुर क्लब में बने टेबल टेनिस हॉल का एडीजी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। वीवीआईपी ड्यूटी में आए महाराजगंज के दरोगा ने होटल कर्मी से दुष्कर्म की कोशिश, कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ित का पैसा वापस आने पर पीड़ित ने साइबर अपराध थाने पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को किया धन्यवाद ज्ञापित। लूट और गोली चलने की गलत सूचना देने वाले युवक को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसआईसी ने जिला चिकित्सालय में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में किया औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट का जनपदीय निर्वाचन सकुशल हुआ संपन्न। गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन के 26वें वार्षिक अधिवेशन का हुआ आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ का द्विवार्षिक महाधिवेशन केंद्रीय कार्यालय पर हुआ संपन्न। खत्री समाज ने सम्मेलन का आयोजन कर समाज के उत्थान पर की चर्चा। 7 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का लिविंस एकेडमी में हुआ आयोजन, विभिन्न जनपदों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। सर्वोदय महिला मंडल की ओर से होली मेले का किया गया आयोजन। और रोल बॉल गोरखपुर द्वारा आगामी 23 मार्च से प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन।